Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं आजकल गोयनका परिवार का फोकस बना हुआ है सिर्फ कीर्ति की शादी पर। सभी को एक बात सता रही है कि क्या कीर्ति एक बार फिर प्यार को अपनी जिंदगी में आने का मौका देगी, और बस दादी तो लगी हुई है कीर्ति के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने के पीछे। लेकिन नक्श और कीर्ति के बीच हुए कुछ क्यूट मोमेंट्स ने दादी का ध्यान आकर्षित कर लिया और उन्हें लगने लगा कि नक्श ही कीर्ति के लिए सही जीवन साथी साबित होंगे। तभी तो दादी लगी हुई है कीर्ति और नक्श को एक साथ लाने में। इनफैक्ट हाल ही के एपिसोड में आपने देखा होगा कि कैसे दादी नायरा और कीर्ति को अपने साथ ले जाती है सिंघानिया हाउस, ताकि कीर्ति नक्श के साथ टाइम स्पेंड कर सके और दादी सबसे रिश्ते की बात कर ले। लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही दादी को नक्श की टूटी शादी के बारे में पता चल जाएगा। उन्हें ये पता चल जाएगा कि कैसे नक्श की शादी तारा से होने वाली थी, लेकिन शादी होते होते रह गई। अब सवाल तो ये उठता है कि दादी का अगला कदम क्या होगा। क्या अब भी दादी नक्श को कीर्ति के लिए योग्य जीवन साथी मानती है? जानने के लिए देखते रहिए टेली मसाला।